हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है तुम्हारे की टेक एडवाइस चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बताऊंगा कि आप सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहने के बावजूद भी किसी से अगर बात भी करते हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आप ऑनलाइन हो बोल के। ठीक है, मान लीजिए कि आप पूरी रात भर ऑनलाइन हो और किसी से बातें भी कर रहे हो तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हो और किसी से बातें कर रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है कि सिंपली आप मान लीजिए कि आप रात को रोज़ रोज़ दो दो तीन तीन बजे तक जागते रहते हो और किसी से बातें भी करते हो तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन हो और किसी से बातें कर रहे हो बोल के। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसको अगर ट्रिक को अगर आपको जानना है तो आपको सिंपली क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन लिंक होगा एक, उसको आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको ये एप्लीकेशन ऐसे नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे परमिशन दे देना है। परमिशन दे देने के बाद कुछ इस तरह से आपको नज़र आ जाएगा जैसे कि। तो उसके बाद यहाँ पे कैंसिल कर देना है। तो आपको मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि ऑनलाइन रहने के बावजूद भी ऑनलाइन नहीं दिखाएगा और मैं यहाँ पे मैसेज सीन करूँगा, बातें भी करूँगा तो ऑनलाइन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा जो दूसरा व्हाट्सअप है यहाँ पे मैं दो व्हाट्सअप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ओपन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे टैग वेद व्यास को मैसेज करता हूँ। तो आपको सिंपली दिखा देता हूँ कि टैग वेद व्यास अभी ऑनलाइन था, उसका लास्ट सीन जो है 12:19 ये ऑनलाइन था। तो अभी मैं इसको मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, हाय हाय बोल के यहाँ पे मैसेज कर दिया हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 12:19 में ये लास्ट ऑनलाइन था, यहाँ पे मैं मैसेज कर दिया 1:29। ठीक है, तो एक बार आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज आया है, यहाँ पे जैसे कि एक व्हाट्सअप में आया है, एक एप्लीकेशन में आया। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन वाले को क्लिक करना है। एप्लीकेशन वाले को क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कि 29 में भाईजान मैसेज किया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KKRH Bro। ठीक है, KKRH Bro लिख देने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा तो अभी मेरा जो लास्ट सीन है उसको दिखाई भी नहीं देगा और 12:19 ही लास्ट सीन मेरा रहेगा। तो आपको प्रूफ के दौरान आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मेरे यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो टैग वेद व्यास ने मैसेज किया मुझे। तो डेफिनेटली जब मैसेज किया तो ऑनलाइन तो दिखाएगा नहीं, तो 1:30 या 29 उसका जो लास्ट सीन जो 12:19 से था 1:29:30 तो ज़रूर दिखाएगा। तो अभी ये ट्रिक को आप अजमा लिए हो इसीलिए आपको नहीं दिखाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, 12:19 ही लास्ट सीन दिखाएगा। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे 12:19 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी व्हाट्सअप में ऑनलाइन रहने के बावजूद भी किसी को पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि फेसबुक मैसेंजर में ये कैसे होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपना फेसबुक ओपन कर लूँगा। फेसबुक ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक फेसबुक है। ठीक है, तो फेसबुक है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं मैसेज वाला आइकन को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वेद व्यास देख सकते हैं यहाँ पे 20 मिनट एगो, तो आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ कि 25 मिनट एगो ऑनलाइन था। तो अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैसेज KKRH Bro बोल के यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, KKRH Bro लिख के सेंड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेंड कर देता हूँ यहाँ पे 25 मिनट एगो दिखा रहा है, मतलब ये अभी ये बंदा ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, तो आपको दिखाऊंगा कि ये मैसेज भी कर देगा, ये मैसेज मेरा सीन करके रिप्लाई भी करेगा, उसके बाद उस भी मुझे यहाँ पे ऑनलाइन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक भी मैसेज कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपली हाय बोल के यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये मैसेज आ चुका है जो कि मैं आकाश वाला नाम का आईडी यूज कर रहा हूँ, तो आकाश ने मुझे मैसेज किया है बोल के। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मैसेंजर में आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे 25 मिनट एगो दिखा रहा है लेकिन, देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है, आपको सिंपली आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे ओपन कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे 1:32 में आकाश मैसेज किया था। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दोगे उसके बाद जो मैसेज किया था वो आपको पता चल जाएगा और आपको यहाँ पे ओके देख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब भाई क्या कर रहा है, भाई अब तक सोया नहीं क्या, सोया नहीं क्या मैं लिख दिया। ठीक है, जैसे अब तक सोया नहीं क्या लिख के मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे सेंड कर दूंगा उसके बाद उसको मैसेज चला जाएगा मेरे से, लेकिन मेरा जो 25 मिनट एगो ही था, जो लास्ट सीन था वही 25 एगो ही दिखाएगा, एक्टिव शो नहीं करेगा। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ मैसेज को। अभी मैं आ जाता हूँ तो उसका फ्रेंड के फेसबुक में, तो अभी भी ये दिखाएगा मेरा अभी 25 मिनट एगो ऑनलाइन ही दिखाया। देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों 27 मिनट एगो दिखा रहा है, आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ प्रोफाइल में जाके। तो अभी मैं यहाँ पे दिखा देता क्या देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे रिफ्रेश कर दूँगा तो 27 मिनट एगो। तो इसी प्रकार से इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करके यूज करना है। अगर ये इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप रात भर ऑनलाइन हो और किसी से बातें भी कर रहे हो। तो उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें।